गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका फिर से इस ब्लॉग में स्वागत है आपका। दोस्तों मैं कल रात को यहाँ 7:30 बजे पहुँच गया था, ऐसे मेरा ट्रेन लेट हो गया था। आपको मैंने बताया था ट्रेन लेट है, तो वो ब्रिज का भी, पामम ब्रिज का भी व्यू अच्छे से नहीं आ पाया था। और कल मैंने यहाँ पर होटल रात को मिल गया था, अच्छा होटल है, और होटल का किराया मैंने दिया है 400 रुपीज़। सिर्फ दोस्तों 400 रुपीज़ में अच्छा होटल है, अच्छा है मेरे हिसाब से, 400 के हिसाब से अच्छा है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, रूम टूर भी दूंगा। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। तो वैसे मैंने प्लान किया था सुबह 5 बजे जाना था, मैंने अलार्म भी रखा था, मगर क्या पता अलार्म भी मिस हो गया है और 7 बज गए थे। और अभी रेडी होके मैं जा रहा हूँ मंदिर। देखो अभी टाइम बहुत हो गया है, 8:30 बजे, 8:40 हो गई है। तो अभी हम देखेंगे वहाँ पर, जैसे हमने सोचा था मॉर्निंग में अभी इस टाइम पे रिटर्न होना था, मगर अभी देखते हैं क्या होता है, कितना टाइम लगेगा। तो इस वीडियो में बने रहेगा दोस्तों, हम रामेश्वरम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं अभी। जी हाँ दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं। मैं सामने देख सकता हूँ रामेश्वरम। हाँ जी हाँ, बहुत एक्साइटमेंट है देखने का। रामेश्वरम मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, ये भी हम आज दर्शन करेंगे। मैं तो और जाके कैमरा वहाँ पर मूव करता हूँ, काफ़ी बहुत लग रहा है आज इस मंदिर। और हाँ दोस्तों, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं बाहर से दिखाऊंगा आपको। और बाहर मुझे शायद वहाँ लॉकर मिल जाएगा, तो लॉकर में रखना पड़ेगा मुझे मोबाइल कैमरा। और फिर ऐसा है, वहाँ पर नहा के जाना होता है, शायद 22 कुंड स्नान करना होता है। देख सकते दोस्तों, आपको शायद कैमरा में दिखाई देता होगा, सामने ही है। लेकिन ट्रैफिक कितना है, बहुत ट्रैफिक है। अभी सावन महीना चल रहा है, तो सावन में शिव की भक्ति ज़्यादा होती है, आपको पता ही होगा। तो इसी हिसाब से और लोग, कल मैं रात को ट्रेन में आया था तो बहुत सारे फुल ट्रेन थी, पर सभी लोग रामेश्वरम तक के ही आ गए थे पूरे यहाँ पर। मुझे तो लगा था कि रूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मगर अच्छा रूम मिल गया, नो एसी रूम का। और मैंने तो सोचा अभी भाड़ा भी डबल हो जाएगा या मिलेगा कैसा मिलेगा, मगर अच्छा रूम मिल गया अपने बजट के हिसाब से। अभी आप देख सकते हो शायद यहाँ से 50 मीटर दूरी पर है। दोस्तों हम बिल्कुल नजदीक आ गए रामेश्वर मंदिर, आप देख सकते हो। मैंने अभी दर्शन कर दिए हैं रामेश्वरम मंदिर में, आप देख सकते हो। ये गेट है, ऐसे चार गेट है, चारों दिशाओं में चार गेट है। और उनसे पहले आपको 22 कुंड का स्नान करना है, तो यहाँ पर 22 कुंड बने हुए हैं, वहाँ पर आप स्नान करके, जैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जरूर आपके स्नान करने के बाद ही जाओ। तो क्या यहाँ पर 25 रुपये चार्ज लेते हैं वो लोग, आपके साथ वहाँ पर और भी लोग मिल जाएंगे बाहर से, तो आपको स्पेशल स्नान करवाएंगे, ऐसे पूजा करवाएंगे, अलग से बोलेंगे, और 200-300 रुपया आपसे लेने की कोशिश करेंगे। मगर आप ऐसा बिल्कुल मत करना, आप जो भी गवर्नमेंट ने यहाँ किया हुआ है, पूरा फैसिलिटी दिया हुआ है, सिर्फ 25 रुपीज़ में आपको पे करना पड़ेगा। और 22 जो कुंड है यहाँ बने हुए, अलग अलग कुंड है, तो वहाँ पर आपको अच्छे से स्नान करवाएंगे।
वैसे वहाँ पर आधे से आधा घंटा वहाँ पर लगेगा। उसके बाद आप मंदिर में एंट्री करोगे तो वहाँ पर आप मुझे तो ऐसा लगा था कि मोबाइल और सब कुछ बाहर रखना पड़ेगा, तो मैंने मोबाइल और सब कुछ बाहर रख दिया था लोकल लेके। यहाँ पर 20 रुपया 10 रुपये लेके सभी दुकानें भी अपने बाहर लोकल रखती है, तो वहाँ पर आप लोग अपना लगेज छोड़ सकते हो। मगर बहुत लोगों ने जो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि नहीं ले जा सकते, मगर मोबाइल वो सब ले जा सकते हो, मगर उसका यूज़ नहीं करना है आपको, सेल्फी फ़ोटो या वीडियो नहीं शूट नहीं करना है, बस आप अपने पास रख सकते हो। तो ये और भी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने बहुत वीडियो देखे, वो बोल रहे थे कि आप अंदर का एंट्री ले जाना अलाउड नहीं है, मगर नहीं अभी मैंने पूछा तो वो ले जा। और हाँ, लोगों चोरी छुपे फ़ोटो भी लेते थे, अपने सेल्फी लेते थे, मगर मैंने मिस कर दिया, मेरे साथ ले जाता तो एक वीडियो या फ़ोटो ले लेता और आपको दिखा देता। अभी देख सकते हो दोस्तों, अभी मैंने सुबह से चाय भी नहीं पिया, तो अभी 11:15 हो गए हैं, तो उसके हाँ एक भी बना लो और दर्शन करने के लिए लाइन भी लगती है, और आपका वहाँ पर पेड फैसिलिटी भी है, आप वहाँ से पेड करके भी जा सकते हो, आपको लाइन में नहीं लगता। वैसे लाइन में अभी मेरे शायद आधा घंटा हुआ है, तो मैंने लाइन से ही गया था, मैंने पेड नहीं किया, तो वो भी लाइन का भी अलग एक्सपीरियंस होता है। तो आप जब भी कभी आओ तो टाइम थोड़ा लेके आना, तो आधा घंटा पौना घंटे में लाइन। वैसे आज सावन महीना है तो थोड़ी ज़्यादा है, मगर वैसे इतनी होती नहीं होगी शायद। तो दोस्तों ये था हमारा रामेश्वर का एक्सपीरियंस, मुझे जेन्युइन बहुत ही अच्छा लगा, अच्छे वाइब्स भी आ रहे थे अंदर, तो माहौल भी इतना बहुत प्योर और नेचुरली लग रहा था एकदम। तो जब भी कभी आओ तो ये आप ये टूर कर सकते हो रामेश्वरम की। और अभी हम देखेंगे यहाँ पर कुछ खाना पीना चाय पानी कर लेते हैं, और फिर अभी धनुषकोटी के लिए निकलेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा लंबा होगा, तो देखता हूँ मैं 2 पार्ट में कन्वर्ट करूँ या सिंगल जो भी होगा, तो इस वीडियो में बने रहेगा। हाँ दोस्तों, प्लीज़ ये लाइक शेयर सब्सक्राइब और कुछ कॉमेंट कर देना, तो हमें और मोटिवेशन मिल जाएगा। दोस्तों हम अभी खाने के लिए आ गए, और हमने यहाँ साउथ इंडियन डिश का ऑर्डर किया है, देखते हैं अभी कैसा होता है क्या नहीं होता है। यहाँ पंजाबी सब कुछ मिल जाता है, मगर टेस्ट करना है, साउथ में आए तो साउथ ही टेस्ट करेंगे, और रसम दाल सम्बल जो भी आएगा वो हम टेस्ट करेंगे। आप देखते हो यहाँ पर ये पापड़ है, मैंने पापड़ टेस्ट किया, बहुत ही अच्छा लगा, मैंने आज ऐसा पापड़ खाया हुआ। वैसे सब कुछ है, सब कुछ चाउमीन मिला के ही खाना होता है, खाना होगा बस, तो अब तो नया नहीं रोटी है, नहीं तो क्या करेंगे फिर। तो मैंने अभी एक खाना खा लिया, साउथ इंडियन टेस्ट किया, अच्छा है, मगर हमें क्या रोटी खाने की आदत है तो रोटी नहीं थी, फिर भी टेस्ट के हिसाब से अच्छा है। वैसे मैं पूरा चावल खा ही नहीं सका, और अनलिमिटेड था, यहाँ के लोग चावल ज़्यादा खाते हैं शायद, मगर मैंने अभी घूमना भी है तो फिर पूरा डिश खाया ही नहीं ऐसे। तो अभी हम यहाँ से सिटी बस लेके, वैसे मुझे चेंज करने जाना था रूम पर, मगर सोच रहा अभी रूम पर नहीं जाऊँ, डायरेक्ट धनुषकोटी के लिए निकल जाऊँ, तो फिर रिटर्न में अच्छा रहेगा। तो यहाँ से सिटी बस जाती है, तो सिटी बस में हम 2 नंबर और 4 नंबर के बाद सिटी बस जाएगी, तो उसमें हम वहाँ जाएंगे। दोस्तों अभी मैं यहाँ पर रूम पर आ गया था, चेंज कर लिया, और
अभी यहाँ से हमें बस मिल जाएगी धनुषकोटी के लिए, तो देखते हैं फिर। अभी दोस्तों मैं बता दूँ, यहाँ रामेश्वरम मंदिर से धनुषकोटी की बस चलती है, हर एक घंटे में यहाँ से बस निकलती है और आती है, और धनुषकोटी से शाम को आप 5 बजे आखिरी बस मिलेगी, तो इसी हिसाब से आप अपना प्लानिंग कर सकते हो। पर्यटक भी है, आप देख सकते हो। दोस्तों मैं यहाँ बस का वेट कर रहा था, मगर वहाँ पर बस अभी आधा घंटा वेट किया, फिर भी बस नहीं आई थी, तो मैं ऑटो से आ गया। ऑटो का किराया 50 रुपये लिया, मैंने सोचा देर हो जाएगी, टाइम वेस्ट करने से बेटर है पहुँच जाते हैं। अभी देख सकते हो, बिल्कुल हम सबसे अभी निकालते हैं, और मौसम बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है एकदम, जैसे जैसे धूप है, मगर धूप नहीं, बहुत अच्छा। दोस्तों आप देख सकते हो, हम आखिरी पॉइंट पर आ गए, यहाँ से श्रीलंका 17-18 किलोमीटर दूर है। रात का टाइम होता तो पता नहीं चलता लाइट हो गया, और देखो यहाँ पर बीच जैसा है बिल्कुल, यहाँ पर लोग आनंद ले रहे हैं पानी का भी, और आप देखते तो यहाँ कितने पर्यटक है। वैसे अभी सावन का महीना चल रहा है, तो रामेश्वरम महादेव जी की पूजा के लिए भी लोग आते हैं, तो इसी हिसाब से अभी यहाँ पर क्राउड बहुत है। अब यहाँ और घंटा 2 घंटा और आराम से बिताएंगे। थोड़ा आगे जाने से, तो यहाँ से कोई लोग आगे नहीं जा पाएंगे, सिक्योरिटी भी यहाँ पर है, तो यहाँ नहाना तो पॉसिबल नहीं है, मगर आप यहाँ तक आ सकते हो, बस 5-10 फीट तक अंदर जा सकते हो। बाकी यहाँ से थोड़ा ही आगे जाओगे तो डीप चला हो डीप स्टार्ट हो जाता है, तो परमिशन नहीं है किसी को नहाने के लिए। और आप देखते हो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, निकले हैं
आपने दर्शन कर लिया। हाँ। और यहाँ का क्या प्लान है आगे फिर? मदुरई जाना है और तिरुपति आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, और कन्याकुमारी फिर कन्या का प्लानिंग भी? अच्छा अच्छा, अच्छा लगा आपसे मिल के। थैंक यू। ठीक है, बोल दीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपको फोटो खिंचवाना हो तो आप खिंचवा सकते हो। यहाँ से आप कुछ फोटो खिंचवा सकते हो। एक फ़ोटो का कितना है? 100 रुपया। 100 रुपीज़ में एक फ़ोटो आप इंस्टा देखो ऐसे ऐसे आपको मिल जाएगा यहाँ पर ही, तो जरूर उसका भी आनंद आप ले सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को यहाँ ही समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और ये वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।